भाजपा सरकार ने प्रदेश में सत्ता संभालते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। स्वयं को दलित समुदाय के हिमायती बताने वाले भाजपा के नेता अपने आला नेताओं की धौंस जमाकर न सिर्फ दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि वे कानून के माध्यम से भी अपनी रक्षा न कर सकें इसके लिए कानून के पैरवीकारों पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बिलासपुर में इस प्रकार की गुंडागर्दी को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि संविधान में समाज के हर जाति वर्ग को समानता से जीने का अधिकार है, ऐसे में भाजपा नेता यदि अपनी दबंगई से बाज नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध आंदोलन बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी जाएगी जो गरीब दबे कुचले समाज की आवाज को सुनने के लिए आनाकानी करते हैं। उपायुक्त कार्यालय पर धरने पर बैठे पूर्व में सदर के विधायक रहे बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक की पंचायत का ये मामला है कि जिसमें गांव के दबंग लोगों ने दलित परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट कर उत्पीड़ित किया बल्कि बार बार जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर उन्हें मानसिक आघात भी पहुंचाया। बंबर ठाकुर ने कहा कि खगड़ गांव की दलित महिला लक्ष्मी देवी के साथ उनका पूरा परिवार और ग्रामीण भारी संख्या में इस बात की शिकायत लेकर पूर्व विधायक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा रोया। बंबर ठाकुर ने बताया कि महिला के साथ पूर्व डीएसपी व अन्य ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। विधायक ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक आरोपी व्यक्ति परमराम व उनके सहयोगियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पुलिस भी सत्ता तंत्र का पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि वारदात 18 मई 2018 को थाना बरमाणा में इस बात की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस ने मामूली धाराएं लगाकर मामले को कमजोर करने का प्रयास किया है, जिससे पीड़ित को न्याय कहां मिलेगा। परसराम ने हमला किया, जो अपने आप को तथाकथित डीएसपी कहता है कि मैं डीएसपी हूं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के ऊपर दोनों भाई ऊपर से पेशाब करते हैं और हमें मारपीट की, कमरे के अंदर घुस करके हमारे साथ मारपीट की, डंडों से सिर फाड़ दिए। जाति सूचक शब्द एक बार नहीं हजारों बार कहता है। पूरे गांव की जो हरिजन बस्ती के लोग, जब इनको छुड़वाने पड़े, उस बस्ती के सब लोगों को भी हरिजन शब्द से पुकारा गया, उनकी जाति से पुकारा गया। आज पूरे गांव की महिलाएं और लोग यहां पे आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने के अंदर भी झूला शब्द का प्रयोग कर रहा है वो तथा कथित डीएसपी, और थानेदार उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो पंचायत है, उस पंचायत के अंदर क्योंकि ये लोग कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और एमएलए के दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए ये लोग मेरे पास आए कि हमारी आवाज को उठाओ। आज मैंने 2 घंटे का धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पे दिया था इनके साथ। पीड़ित लक्ष्मी देवी की माने तो आरोपी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने थाना बरमाणा में भी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। पुलिस मूक दर्शक बनकर घटनाक्रम की साक्षी बनी रही, लेकिन कोई कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं हुई। पूर्व विधायक ने कहा कि आजाद भारत में इस प्रकार की अभद्र भाषा कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा पीड़ित परिवार के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के भीतर दलित महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला एवं पुलिस प्रशासन की होगी। उसने हमारे को मारपीट की और लैंडरशिप साफ शुरू करता रहता है परसराम, और दोनों भाई एक और नाली और साइड से करता साहब, एक ऊपर से करता लेटर से करता साहब, और घुस वहाँ बोला तब उन्होंने आके अंदर मारा हमारे को उसे। उसके बाद उन्होंने जुड़ा बोलते हैं यहाँ से निकाल देंगे आपको, और बहुत बुरी बुरी गाड़ियाँ भी डरे उन्होंने निकाली। फिर हम बरमाना थाना में गए तब वहाँ भी उन्होंने ऐसे बोला, SHO के सामने बोला कि जुड़ा तेरे को तो देख लेंगे हम, पर इन्होंने कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं किया, पुलिस वाले ने कुछ नहीं हमारे साथ किया।